इस इंची टेप की वीडियो में इंची टेप को हिंदी और इंग्लिश में बारीकी से समझाने वाली हूँ। जैसे पाव इंच क्या होता है, हाफ इंच क्या होता है, पौने इंच क्या होता है, एक इंच क्या होता है, सवा इंच क्या होता है, डेढ़ इंच क्या होता है, पौने दो इंच क्या होता है, कितने इंच का एक मीटर होता है, कितने सेंटीमीटर का एक मीटर होता है, इंची टेप के हेल्प से डिवाइड कैसे करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानती। स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञानती फैशन पे। जिन लोगों को सिलाई आती है फिर भी इंची टेप में प्रॉब्लम आती है, खासकर जो बिगिनर है, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए इंची टेप का वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पाव और क्वार्टर इंच होता क्या है और इसे लिखते कैसे। देखिए, ये है मेजरिंग टेप जो कि सिलाई में यूज होता है और सिलाई का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल्स है इंची टेप। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि 0.25 क्या होता है, यानी कि पाव इंच क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वार्टर इंच और हिंदी में पाव इंच, दो सूत, दो लाइन, दो पॉइंट बोल सकते हैं। अब देखिए, ये पाव इंच होता है, यहाँ पे ये जो लाइन है ढक गया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये जो वन लिखा हुआ है और ये दो छोटी छोटी लाइन आपको दिख रही होगी, यही दो लाइन होता है यहाँ से और यहाँ तक पाव इंच। यानी कि ये जो बड़ी लाइन है ये एक इंच पे लाइन है और ये दोनों छोटी छोटी लाइनों को ऐड कर देंगे तो ये दूरी हो जाएगा पाव इंच, जिसको इंग्लिश में हम क्वार्टर इंच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.25 इसी तरह इसको लिखते हैं। देखिए 0.50 क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हाफ इंच बोलते हैं और हिंदी में आधा इंच बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो है और ये आपको बीच में, वन और जीरो के बीच में ये थोड़ी सी बड़ी लाइन दिख रही है, यही लाइन हाफ इंच का है। जैसे कि देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3 और बीच में ये थोड़ी थोड़ी बड़ी लाइन आपको दिख रही है, यही लाइन हाफ इंच की लाइन है। जैसे कि मान के चलिए हमें लेना है हाफ इंच, तो यहाँ जीरो से और इस लाइन तक हम लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ से और वन तक हाफ इंच, यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक इंच। अब देखिए हमें लेना है डेढ़ इंच, तो जीरो से और ये वन इंच हुआ और यहाँ तक लेंगे तो ये हो जाएगा डेढ़ इंच। कहने का मतलब कि जो ये नंबरों के बीच में थोड़ी बड़ी लाइन दिख रही है, ये हाफ हाफ इंच की लाइन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान के चलिए ये 4 इंच है और यहाँ पे ये हाफ इंच की लाइन बनाया हुआ है, उसके बाद ये 5 इंच लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो लाइन है ये हाफ हाफ इंच पे बनाया हुआ है। देखिए 0.50 को लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से 0.50 इंच इसी तरीके से लिखते हैं। 0.75 इंच किसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में इसको 3/4 इंच बोला जाता है और हिंदी में 0.25 इंच बोला जाता है। तो देखिए जीरो से और ये वन लिखा हुआ है, तो ये छोटी छोटी दो लाइन दिख रही है, इसको कम कर देना है तो ये हो जाएगा 0.25 इंच। अब मान के चलिए हमें लेना है 0.25 इंच, तो आपको क्या करना है, यहाँ से और ये जो 2 इंच का जो ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें ये 2 पॉइंट आपको कम कर देना है, यानी कि 0.25 इंच कम कर देना। ये दो लाइन कम करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक 0.25 इंच हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, 0.75 इंच इसी तरीके से इसको लिखते हैं। अब देखेंगे हम 1 इंच को, तो देखिए गाइज यहाँ पे ये बड़े बड़े नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ये 1-1 इंच का ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, बीच का दूरी जो है वो 1 इंच का है। अब देखिए यहाँ से जीरो से और यहाँ तक ये जो बड़ी लाइन दिख रही है, यहाँ तक 1 इंच और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच और यहाँ से यहाँ तक 3 इंच और जीरो से यहाँ तक 4 इंच, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच। कहने का मतलब जो ये बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर 1-1 इंच का, जो बीच की दूरी है 1-1 इंच का है। अब यहाँ से आपको लेना है 4 इंच, तो जीरो से और यहाँ तक लेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। इसे मुझे लेना है 10 इंच, तो यहाँ जीरो से और यहाँ तक लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच लिखते हैं। अब हम देखेंगे 1.25 इंच क्या होता है, इसको इंग्लिश में 1 1/4 इंच बोलते हैं। जैसे देखिए हमें लेना है 1/4 इंच,
तो यहाँ जीरो से और ये वन लिखा हुआ है, दो छोटी छोटी लाइनें हैं, तो यहाँ तक ये दोनों छोटे छोटे लाइनों को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा 1.25 इंच। जैसे मान के चलिए हमें लेना है 1.25 इंच, तो यहाँ जीरो से और ये 2 इंच है और दो छोटे छोटे लाइनों को और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक 1.25 इंच। इसी तरह से मान के चलिए हमें लेना है 1.75 इंच, तो ये जीरो है यहाँ से और ये 3 इंच है और यहाँ पे दोनों छोटे छोटे लाइनों को ऐड करेंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1.75 इंच। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए 1.25 इंच। देखिए 1.50 इंच किसे बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे जीरो से और ये वन लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/2 इंच इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से और यहाँ तक ये 1.5 इंच हो जाएगा। जैसे मुझे लेना है 2.5 इंच, तो देखिए जीरो से और 2 इंच लेंगे और 1/2 इंच इसमें और ऐड करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक ये हो जाएगा 2.5 इंच। जैसे मुझे लेना है 3.5 इंच, तो यहाँ जीरो से और ये 3 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच और ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3.5 इंच। अब देखिए इसको लिखना कैसे, 1.50 इंच इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए 1.75 इंच किसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 1.25 इंच, यानी कि जीरो से और ये 2 इंच हुआ और दो लाइन छोटी छोटी इसमें हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इंच। जैसे मान के चलिए हमें लेना है 1.75 इंच, तो यहाँ जीरो से और ये 3 इंच हुआ और यहाँ पे दो लाइन छोटी छोटी कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.75 इंच। तो इसी तरीके से हम ये 1.25 इंच का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें लेना है 1.25 इंच, तो यहाँ पे और यहाँ तक वह 4 इंच और दो छोटे छोटे लाइनों को कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इंच। इसे लिखते कैसे हैं, 1.75 इंच यानी कि 1.25 इंच इसी तरीके से लिखना है। अब देखेंगे कि कितने इंच का 1 मीटर होता है, तो देखिए इस तरीके से 39 इंच का 1 मीटर होता है, देख सकते हो ये 39 लिखा हुआ है यहाँ तक और यहाँ से जीरो से 1 मीटर होता है। देखिए टेप को इस तरीके से हम पलटेंगे तो ये छोटे छोटे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सेंटीमीटर होता है। तो देखिए इस तरह से कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो देखिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ये हम कपड़ा वपड़ा लेने जाते हैं दुकान में तो अपने जरूरत के हिसाब से 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर कपड़ा लेते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखेंगे कि टेप की हेल्प से डिवाइड कैसे करना है, तो देखिए हमें बनाना है 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज, तो 34 का 1/4 कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से 34 इंच देखेंगे, देखिए इस तरीके से। अब क्या करना है, टेप को इस तरीके से यहाँ पे जो स्टील वाला भाग है इस तरीके से रखना है और एक बार टेप फोल्ड कर लिए हैं, अब एक बार हम टेप को और फोल्ड करेंगे, यानी कि जो टेप है ये 4 लेयर में हो गया है। अब जहां भी फोल्डेड है इस तरीके से देखेंगे, तो देखिए 1/4 आ रहा है 8.5 इंच, यानी कि 34 का 1/4 निकालेंगे तो 8.5 इंच आएगा। इसी तरह से आपको चेस्ट और वेस्ट को इसी तरह से डिवाइड करना है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग करने में डर लगता है, ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप ब्लाउज का पेपर कटिंग खरीद सकते हैं। देखिए ये है मेरा पेपर कटिंग और इसकी जो गारंटी है 6 महीने की है, बाकी तो ये 4-5 साल जाएगा, लेकिन हम आपको 6 महीने की गारंटी दे, 6 महीने के अंदर में अगर ये फटता है तो हम इसको बदल के आपको फ्री में नया देंगे। और देखिए ये 100%
प्लास्टिक का है और जो मेजरमेंट है ये लिखा हुआ है। ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा 28 इंच एक्स्ट्रा बेड ब्लाउज की कटिंग आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।